press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम दिया है, बिहार पॉलीटेक्निक, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बिहार पॉलीटेक्निक के इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा कि कैसे इसकी पढ़ाई होती है और किस प्रकार से इसका सिलेबस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं बिहार पॉलीटेक्निक में किस किस तरह की सब्जेक्ट उपलब्ध है और आप लोगों को पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि जो बिहार पॉलिटेक्निक होता है उसको स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SBTE कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है। तो बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स के लिए आपको सबसे पहले इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। हर साल फरवरी और मार्च में इसका फॉर्म फिलअप होता है और इसका एग्जामिनेशन मई और जून के बीच हो जाता है। जितने लड़के इसमें क्वालिफाई होते हैं, काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग के बाद उन लोगों की एडमिशन हो जाती है, जिसे एंट्री बोलेंगे, किसी भी कॉलेज में उन लोगों की एडमिशन हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर जिन लोगों की एडमिशन हो जाती है और जो ट्रेड या ब्रांच उन लोगों को मिलता है, तो उन लोगों को SBTE दो भागों में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट ईयर यानी दो सेमेस्टर के लिए उन दो वर्गों में, छः जितने भी हैं हमारे ब्रांच, उस छः ब्रांच को दो वर्गों में बांट देता है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से ब्रांच आते हैं। जनरली SBT इसको दो ग्रुप में बांटता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हर एक कॉलेज में अलग अलग ब्रांच होते हैं, कुछ सिमिलर होते हैं तो कुछ में ज़्यादा होते हैं तो कुछ में कम। तो उन सभी के अनुसार मेनली 6 ब्रांच होते हैं, तो मैं 6 ब्रांच को बता देता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप में होते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में आता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और तीसरा कंप्यूटर साइंस। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से ब्रांच आते हैं। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकेंड नंबर पर आता है सिविल और थर्ड नंबर पर आता है ऑटोमोबाइल। तो ये जो जनरली ऑटोमोबाइल है, इसे हम लोग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांच है, जैसे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे हैं। तो उन लोगों का मुझे नहीं पता कि कौन कौन से ब्रांच ग्रुप में आते हैं। जनरली लड़के लोग यही इसको चूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जनरली हम लोग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल भी कहते हैं। तो ये रहा कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में दो भागों में डिवाइड कर दी जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि इनकी पढ़ाई कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, जिसे हम लोग स्कीम भी बोलते हैं, टीचिंग स्कीम और एग्जामिनेशन स्कीम, स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशंस। तो जनरली इसे हम लोग सिलेबस भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप फर्स्ट की, कि ग्रुप फर्स्ट में सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो मैंने बताया कि ग्रुप फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस आते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप 1 में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बेसिक फिजिक्स, सेकेंड नंबर पे आता है बेसिक केमिस्ट्री और थर्ड नंबर पे आता है बेसिक मैथमेटिक्स, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, फिफ्थ नंबर पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और सिक्स नंबर पे हम लोग को पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो ये 6 सब्जेक्ट आप लोग को ग्रुप फर्स्ट में पढ़ना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इन सभी के सिलेबस के क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो सिलेबस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर ले
या SBTE होम पेज पर जा कर के आप ऑनलाइन सर्च करें क्रोम में जा कर के SBTE होम, वहां से आप जा कर के सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर आप ग्रुप के लिए आप चूज कर सकते अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल में ऐसे चार सब्जेक्ट हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहला आता है बेसिक फिजिक्स लैब, और सेकेंड नंबर पर है बेसिक केमिस्ट्री लैब, थर्ड नंबर पे हमारा है कंप्यूटर फंडामेंटल, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन लोगों का हमको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ टर्म वर्क्स होते हैं, आप लोग को कुछ टर्म वर्क्स करना पड़ता है। तो सबसे पहले उसमें आता है इंग्लिश लैंग्वेज लैब होता है, सेकेंड नंबर होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसमें आपको ग्राफ का कुछ स्ट्रक्चर बनाकर देना पड़ता है, कुछ फिगर्स वगैरह होते हैं वो आपको सिलेबस में पता चल जाएगा। थर्ड नंबर पर आता है हमारा बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो आप घबराएं नहीं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा कि बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, मैंने दोबारा नहीं लिखा है, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में आप लोगों को बना करके देना पड़ता है जॉब, और आप लोगों को टर्म वर्क में एक साथ बनाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्रुप सेकेंड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स ग्रुप सेकेंड में आप लोगों को 5 बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जिसमें पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल 2, सेकेंड नंबर पे आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और थर्ड नंबर पे आता है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ पढ़ना होता है, एक में कंबाइंड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग चौथे नंबर पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और पांचवे नंबर पे इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये कुछ कुल 5 सब्जेक्ट आप लोग को ग्रुप 2 में पढ़ना पड़ता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल और ऑटोमोबाइल आता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो थोड़ा आपका था थ्योरेटिकल, अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के बारे में, कौन कौन से प्रैक्टिकल में हम लोग को देना पड़ता है बना करके। तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल यानी कि लैंग्वेज स्किल बोल सकते हैं इसको, या लैंग्वेज लैब। तो लैंग्वेज लैब का आप लोगों को प्रैक्टिकल देना पड़ता है। उसके साथ साथ आप लोगों को अप्लाइड साइंस और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम और देना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं टर्म वर्क के बारे में, कि टर्म वर्क में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और आप लोगों को टर्म वर्क का असाइनमेंट बना करके आप लोगों को जमा करना पड़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो टर्म वर्क में 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप प्रैक्टिस, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इन चारों का आप लोगों को असाइनमेंट बना करके कॉलेज में जमा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद आप लोगों का सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, और किन किन ग्रुपों में आप लोगों को डिवाइड किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट साल होता है, एक साल का जो हम लोग पढ़ाई करते हैं यानी कि फर्स्ट ईयर, जिसमें हम लोग 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं, तो इस सेमेस्टर में हम लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है ब्रांच को ग्रुप वाइज, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो ग्रुप 1 में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है, वही सिलेबस ग्रुप 2 को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, और जो ग्रुप 2 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है उस वही सिलेबस आप लोगों को यानी कि ग्रुप 1 को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, यानी कि ये एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का जो ब्रांच होगा वो अलग अलग हो जाएगा, और सभी ब्रांच की पढ़ाई अलग अलग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इन लोगों का जो एग्जाम होता है वो पूरे 750 यानी कि 750 मार्क्स का होता है, जिसमें कुछ ग्रुप वाइज बटे हुए हैं, जैसे कि टीचर असेसमेंट, इसमें 10-10 नंबर मिलता है आपके कॉलेज से ही। उसके बाद क्लास टेस्ट जो होगा मार्क्स, उसमें 20-20 नंबर का टेस्ट होता है। उसके साथ जो आपका एंड सिलेबस जो एग्जामिनेशन होगा, जिसको हम लोग ESE बोलते हैं, तो वो आप लोगों का 70-70 नंबर का थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। उसके साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल भी होगा, और तीनों को मिला करके आप लोग जितना 750 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आप लोगों को 24 नंबर तक का क्रेडिट दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो फेल होने वाला है या उसके मार्क्स कम हैं, तो उन लोगों को 24 नंबर तक क्रेडिट दिया जा सकता है, और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रेडिट मार्क्स होता है। तो जो लिंक आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है
डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से और कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लोगों को 11th और 12th क्लास के ही सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप लोग 12th में पढ़े होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप 11th में पढ़े होंगे, तो ये मिक्स हो जाते हैं और अलग अलग ब्रांच को, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उन दोनों के लिए मिक्स होकर के एक नया बुक आता है जिसको हम लोग फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस, एक कंपनी है, एक पब्लिशर्स है, वो छापती है। आप लोग उसका बुक से ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बैंक्स भी आते हैं तो आप उन लोगों को लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।